Stitch. Who brought the apple to our Eve? मूवी की शुरुआत में हम एक कैंडी के पादिम को थिएटर स्टेज पर एक मोनोलॉग परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, जो कि अपने हाथ में एक बुक लेकर अबेंडेंस स्टोरी बता रहा था, जिसका टाइटल था वेयर द डेविल रोम्स। बाइबल के अनुसार अबेडन एक डेमन और एंजल दोनों हैं, जिस वजह से उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। जब एक बार उसने अपनी पावर पर घमंड करके गॉड को ललकारा था, तो गॉड ने उसे हराकर हेल में भेज दिया। और वहां से निकलकर वो एक इंसान का रूप लेकर धरती पर आ गया, और धरती पर आकर वो फिर से बुराई फैलाने लगा। जब गॉड की उस पर नज़र पड़ी तो गॉड ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके मरने के बाद में वल्चर्स उसकी बॉडी को नोच कर खा गए, और अब बस उसकी हड्डियाँ और हार्ट ही बचा हुआ था। गॉड के जाने के बाद में अबेंडेंट का हार्ट फिर से जिंदा हो गया, जिसके अंदर डेविल का निडल भी धंसा हुआ था। तब से डेविल का हार्ट पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों को पास होता जा रहा था जो लोग बुरे काम करते हैं, क्योंकि उसमें अबेंडेंट की सभी पावर्स है जो कि उस इंसान को कंट्रोल करके बुरे काम करवाने में उसका सपोर्ट करती है। उस हार्ट में धंसे हुए नीडल से लोग अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को सिलकर फिर से जोड़ सकते हैं और बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और उस इंसान की हड्डियाँ और फ्लैश धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, जिससे कि उस इंसान का खात्मा हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि एक घर में एक बच्ची अपने पिता को स्टेप करके मार रही थी, और फिर वो अपनी छोटी बहन मैगी के पास में जाती है और फिर उसके हाथ में वही चाकू देकर उसे भी अपनी तरह अपनी माँ को स्टेप करके मारने के लिए कहती है। मैगी भी उसके कहे अनुसार वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास में जाती है और उसे भी स्टेप करके मार देती है। ऐसा इन बच्चियों ने क्यों किया, ये हमें आगे पता चलने वाला है। सीन अगेन कट होता है और अब हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें हम ईव नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टोर में होती है, जहाँ पर मिस्टर टिप्स नाम का एक मैजिशियन आता है और एक सीजर खरीद कर ले जाता है। वो जाते जाते वो ईव से कहता है कि बच के रहना, वरना मैं तुम्हारी उंगलियों को भी काट दूंगा। ईव के पेरेंट्स बहुत ही गरीब थे और जीने के लिए वे कार्निवल फेस्टिवल में परफॉर्म करते थे, जिसमें कई सारे और भी लोग थे जो कि एक एक करके कई तरह के एक्ट परफॉर्म करते हैं, जिन्हें लोग देखने के लिए आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बदले उन्हें पैसे दिया करते हैं। लेकिन ये पैसे उन्हें तभी मिलते हैं जब लोगों को उनका एक्ट पसंद आता है। ईव अपने पेरेंट्स के साथ एंजल के कॉस्ट्यूम में सिर्फ सिंगिंग एक्ट परफॉर्म किया करती है, जो कि काइंड ऑफ बोरिंग होता है, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, और उनके परफॉर्मेंस के टाइम पर वहाँ पर से लोगों की भीड़ भी कम हो जाती है, जिस वजह से उन्हें अपने गुजारे के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ईव के फादर का नाम सेवन था, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान एक डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे थे, जिस वजह से वो जब भी खून देखते हैं तो वो अपना आपा खोने लगते हैं और उन्हें फिट्स भी आने लगते हैं। तो अब अगर ईव की माँ की बात करें तो उसका नाम मैगी था। जी हाँ, ये वही मूवी की स्टार्टिंग वाली बच्ची थी जिसने अपनी माँ को मार डाला था, जो कि अपने चाइल्डहुड से ट्रॉमेटाइज्ड थी। ईव भी सिर्फ एक्ट के टाइम पर सिंगिंग करती थी, बाकी टाइम पर उसके मुँह से एक शब्द नहीं बोलती थी और पूरे टाइम चुप रहती थी। कार्निवल फेस्ट में परफॉर्म करने वाले मेंबर्स को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि लोगों की भीड़ सिर्फ मिस्टर टिप्स के एक्ट को देखने के लिए ही जमा होती है, जो कि अपने साथ स्टेज पर एक सीजर लेकर आता है और सीजर से एक एक करके अपने हाथ के सभी उंगलियों को काटकर एक बकेट में डाल दिया करता है। ये देखकर लोगों को काफ़ी मज़ा आता है और वे लोग हैरान भी होते हैं कि आखिरकार टिप्स ऐसा कैसे करता है कि उंगली काटने के अगले ही दिन उसकी सारी कटी हुई उंगलियाँ फिर से वापस उग जाती है, जैसे उसकी उंगलियां कभी कटी ही ना हो। अब रात को कार्निवल फेस्ट के मेंबर्स बैठकर आपस में टिप्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि टिप्स ये सब डेविल की मदद से करता है। ये सुनकर ईव वहाँ से उठकर टिप्स के टेंट में चली जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर मिस्टर टिप्स ये ट्रिक कैसे परफॉर्म करता है। जब ईव टेंट में जाती है तो टिप्स उसके सामने ही अपनी उंगलियों को ठीक करने लगता है, और साथ ही ईव को अपने बचपन का किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तब उसे सर्कस देखना बहुत पसंद था और उसकी माँ उसे सर्कस देखने के लिए पैसे भी दिया करती थी। एक बार जब वो सर्कस देखने गया तो उसने एक आदमी को स्टंट करते हुए देखा था, और इसी दौरान हाइट पर गिरने से उसकी मौत हो गई और उसका ब्रेन उसके सर से बाहर आ गया, और एक बार एक छोटी बच्ची का पैर शेर खा गया था। टिप्स का मानना था कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हैं,
लेकिन उन्हें फिर भी कोई ठीक से अप्रिशिएट भी नहीं करता है। लेकिन वहीं पर एक मैजिशियन भी होता है जो कि कुछ हॉरिफाइंग मैजिक ट्रिक्स दिखाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। वो कभी अपने हाथ की उंगली काटता तो कभी पैर, और फिर अगले दिन उसे ठीक भी कर लेता था। ये सब देखकर टिप्स को भी उसकी मैजिक ट्रिक सीखने की इच्छा हुई और वो उसके छोटे से टेंट में पहुंच गया जहाँ पर मैजिशियन ने टिप्स को अपेडन और उस मैजिक हार्ट के बारे में बताया। फिर जब एक दिन वो मैजिशियन गहरी नींद में था तब मौके का फ़ायदा उठाकर टिप्स उस हार्ट को चुरा कर ले भागा, और फिर डेविल के साथ में डील करने के बाद में टिप्स कार्निवल फेस्ट में उस मैजिशियन के जैसे मैजिक परफॉर्म करने लगा। टिप्स ये सब ईव को इसलिए बता रहा था क्योंकि ईव सिर्फ सिंगिंग करते टाइम ही बोलती थी, बाकी समय वो चुप रहा करती थी। तो ईव को बताने से टिप्स का सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलेगा, और ये सब बताने के बाद में टिप्स ईव को वहाँ से भगा देता है। इधर सेवन अपने कार्निवल फेस्ट के कुछ दोस्तों के साथ में बैठकर कार्ड्स खेल रहा था, तभी उसके दो दोस्तों में बहस हो जाती है और बहस हाथापाई में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं जिससे कि उनकी बॉडी से खून आता है, और खून को देखकर सेवन को फिर से फिट जाने लगते हैं और मैगी वहाँ पर आकर सेवन को संभालती है। अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब सेवन वॉर के टाइम पर अपनी ड्यूटी कर रहा था और एक सोल्जर का हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए सेवन को उसकी बॉडी से उसका हाथ काटना पड़ता है। तभी सामने से कोई सोल्जर के सिर में गोली चला देता है जिससे कि उस सोल्जर का सिर क्रश हो जाता है। अगेन सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम पूरी फैमिली को एक ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर सेवन कुछ लोगों के बारे में बताता है जो लोग गॉड को झूठा और डेविल को सच्चा मानते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनकी पूरी फैमिली भी गॉड को नहीं बल्कि डेविल को मानती है। फिर इसके बाद में पूरी फैमिली एक लैंड ओनर के घर पर पहुंचती है जहां पर ये लोग उस आदमी को डराकर जबरदस्ती डिनर करने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। जब वो आदमी अपनी वाइफ को डिनर टेबल पर आवाज़ लगाता है तो उसकी वाइफ की जगह मैगी खाना लेकर बाहर निकलती है क्योंकि मैगी ने पहले ही उसकी वाइफ को किचन में ही मार डाला था, और फिर वो खाना सेवन और ईव को सर्व करती है जिसके बाद में वो सेवन की आंखों पर पट्टी बांधती है और उस आदमी के सर पर पेन से अटैक करके उसे जान से मार डालती है। मैगी रिवेंज के लिए ऐसा करती है क्योंकि इस आदमी ने उस ज़मीन को खरीद लिया था जहाँ पर ये लोग कार्निवल एक्ट परफॉर्म किया करते थे और अब इनकी रोजी रोटी छीन चुकी थी। ये देखते हुए ईव शांति से अपना खाना खाने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर डिनर करने के बाद में ईव उस आदमी की लाश की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। मैगी एक एक करके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारने लगती है जो लोग इसमें शामिल थे। ईव को भी इन सभी की डेड बॉडीज़ की फ़ोटो खींचने में बहुत मज़ा आता था। वो देख कर लग रहा था कि ये फैमिली काइंड ऑफ बहुत ही वियर्ड फैमिली है। ये तीनों अब एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर सेवन को पेड़ पर बैठा एक वल्चर दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाता है और मैगी से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर ट्रेवल करते टाइम पर उन्हें कम पैसों में रुकने के लिए एक जगह दिखाई देती है। जब मैगी वहाँ पर जाकर बात करती है तो उस जगह की ओनर उससे ज़्यादा पैसे ठगने की कोशिश करती है, और तब उन्हें समझ में आता है कि ये लोग कितने मतलबी हैं जो कि मुसीबत के टाइम पर भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैगी और सेवन की बातों से हमें पता चलता है कि सेवन ईव का स्टेप फादर है और मैगी का सेकंड हस्बैंड है। इन दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वर्ल्ड वॉर के दौरान सेवन घायल हो चुका था और मैगी तब एज ए नर्स सर्व करती थी। सेवन के घायल होने पर मैगी उसका ख्याल रखती है, वो तब से ये दोनों साथ में हैं। फिर अगले सीन में हम ईव को एक डॉल को कट करके स्टिच करते हुए देखते हैं। दरअसल ईव उस डॉल को कट और स्टिच करके मिस्टर टिप्स की मैजिक ट्रिक सीख रही होती है, लेकिन जब सेवन उसे ऐसा करते हुए देखता है तो सेवन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है और वो ईव को सही तरीके से कट लगाकर स्टिच करना सिखाता है। फिर अब ये लोग रात में एक जगह पर रुकते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तब एक आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें उठाकर अपना नाम एरिक बताता है। बाहर बहुत ठंड होने की वजह से वो उन लोगों से अपने घर के अंदर चलने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद में वे सभी को ड्रिंक ऑफर करता है जिसके बाद में ईव सभी को गाना गाकर सुनाती है। एरिक कहता है कि ये वही गाना है जो उसे उसकी माँ गाकर सुनाया करती थी, और फिर एरिक उस गाने को जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यू करता है जिसे सुनकर मैगी एरिक को एक जर्मन समझकर मार डालती है। ईव आकर एरिक का भी फोटो क्लिक करती है और फिर ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलकर उनकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है और ख़राब हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगती है।
और फिर ये तीनों गाड़ी में से निकलकर पासी में बने हुए एक घर से मदद लेने के लिए निकल जाते हैं। घर के बाहर पहुंचकर सेवन डोरबेल बजाता है और एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आता है, जिसको सेवन बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है तो इसीलिए उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहाने बनाने लगता है और कहता है कि 5 किलोमीटर आगे एक गैराज है जहाँ पर पहुंचकर वे लोग अपने लिए मदद ला सकते हैं। दरअसल उस बूढ़े आदमी की वाइफ आउट ऑफ टाउन थी तो इसलिए उसने अपने घर पर कुछ लड़के बुलवाई हुई थी जो कि उसे घर के अंदर आने के लिए आवाज़ लगा रही थी, तो इसीलिए वो दरवाज़ा लगाकर अंदर जाने लगता है। तभी मैगी उसके घर के अंदर घुसकर उस आदमी के सर पर एक्स से मारकर उसकी जान ले लेती है और उसके साथ ही उन सभी लड़कियों को ब्रूटली मार डालती है। तभी सेवन की नज़र वॉल पर बनी एक बर्ड की पेंटिंग पर जाती है जिसे देखकर सेवन थोड़ा सहम जाता है। फिर इसके बाद में मैगी ऊपर वाले रूम में जाकर उस बूढ़े के क्लोजेट में से कपड़े निकालकर ट्राई करने लगती है और कुछ कपड़े सेवन को भी पहनने के लिए देती है। सेवन जब खुद को मिरर में देख रहा होता है तभी अचानक से एक लड़की उसके ऊपर एक्स से हमला कर देती है जिससे कि सेवन घायल हो जाता है। उसकी आवाज़ ईव और मैगी दोनों को सुनाई पड़ती है। मैगी को शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उस घर में और भी कोई जिंदा बचा है और आवाज़ सुनकर मैगी उस रूम में पहुँच जाती है और वो लड़की दरवाजे के पीछे छुप जाती है। मैगी जब सेवन के पास में जाती है तो लड़की मैगी के ऊपर भी एक्स से हमला करती है लेकिन मैगी अपना हाथ आगे कर देती है जिससे कि उसका हाथ कट के अलग हो जाता है और फिर वो लड़की मैगी को भी एक्स से मार मार कर उसे अधमरा कर देती है। लेकिन मैगी मरने से पहले उस लड़की के गले में एक ग्लास का टुकड़ा घुसा देती है जिससे कि उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। ईव जब ऊपर आकर देखती है तो ये नज़ारा देख कर हैरान रह जाती है तो उसी वक्त अपने माँ बाप की बॉडी को कार में भरकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है जहाँ पर टिप्स अपना एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। जब ईव टिप्स को बाहर देखती है तो उसे मौका मिल जाता है उस मैजिक हट को चुरा कर उसे अपने माँ बाप को ठीक करने का। अब ईव उस हट को चुरा लेती है और उसमें लगी नीडल से अपने पेरेंट के घावों को स्टिच करके उन्हें फिर से ठीक कर देती है। तो अब ठीक होने के बाद में वे सभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं जिसमें ईव के पेरेंट्स कुछ अजीब और ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे और वो ठीक उसी तरीके से हॉरिफिक परफॉर्म करते हैं जिस तरीके से मिस्टर टिप्स परफॉर्मेंस दिया करता है। ये देखकर टिप समझ जाता है कि उन लोगों ने अबेडन का वो मैजिक हार्ट चुरा लिया था तो वो ईव के पास में उस हार्ट को मांगने के लिए जाता है लेकिन ईव उसे सीजर से डरा देती है तो इसलिए टिप्स को वहाँ से खाली हाथ लौट कर आना पड़ता है। जाते जाते टिप्स ईव से कहता है कि स्टिच करते समय स्पेल भी बोलना पड़ता है, तुम तो बोल नहीं सकती, और इतना कहकर वो अपनी कटी हुई उंगलियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और मैगी के हाथ धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। तब ईव एक औरत को मारकर उसके हाथ पैर मैगी के सड़े हुए हाथ पैरों की जगह स्टिच कर देती है। जिस औरत ने इनके यहाँ से कुछ सामान चुराया था जब ये लोग ट्रिप पर गए हुए थे। अब नए पैर लगने के बाद में मैगी के पैर थोड़े छोटे बड़े लग रहे थे। यहाँ पर मैगी की बातों से हमें पता चलता है कि मैगी ने अपनी माँ की जान इसलिए ली थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक अब्यूजिव रिलेशन शेयर कर रही थी और मैगी की माँ ने अपने बेटे को पीट पीट कर उसकी जान ले ली थी क्योंकि उसने अपने जूते खो दिए थे लेकिन जूते उसने नहीं बल्कि मैगी से गुम हुए थे। अब इधर रोज़ रोज़ खून देखकर सेवन की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उसके दिमाग ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था, जिसका फ़ायदा उठाकर एक आदमी सेवन का वॉलेट चुरा लेता है। और उस समय हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब एक वॉर के टाइम पर सेवन ने एक सोल्जर का गला काटकर उसे मार डाला था क्योंकि वो सोल्जर दर्द से तड़प रहा था और उसकी आवाज़ सुनकर दुश्मन को उन लोगों का पता चल जाता है तो इसलिए सेवन ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया था। और उस वक्त कुछ वल्चर्स आसमान में उड़ रहे थे और तब से ही सेवन वल्चर्स को देखकर घबरा जाता है और तब से ही खून को देखकर उसे फिट आने लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मैगी के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स अब पूरी तरीके से सड़ चुके थे और तब उनकी परफॉर्मेंस में से एक औरत मैगी और ईव से टिप्स के बारे में बातें करने लगती है और कहती है कि टिप्स एक बुरा व्यक्ति है जिसका हाथ अब पूरी तरीके से सड़ चुका है क्योंकि उसने डेविल के साथ में हाथ मिलाया था जिसकी भरपाई वो अब कर रहा है और गॉड के लोगों के साथ में कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ दिनों से ईव और उसकी फैमिली का ये ग्रूसम एक्ट काफ़ी चर्चे में चल रहा था और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था जिस वजह से उन लोगों को एक फेमस थिएटर द बफेलो हॉरर शो में भी परफॉर्म्स करने का मौका मिल जाता है
जहाँ पर परफॉर्म करने के बाद में वे लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे और इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छप गया था। इधर मिस्टर टिप्स पागल होने लगा था, जिसके हाथ के साथ साथ उसकी बॉडी भी सड़ने लगी थी और वो एक दिन सेवन के पास में जाकर अपना हाथ दिखाकर ये कहता है कि ये सब उसकी बेटी ईव की वजह से हुआ है। उसी ने उसका वो मैजिक हार्ट चुराया था जिससे कि वो ये एक्ट परफॉर्म करती है। टिप्स कहता है कि वो तो इसे फिक्स कर सकता है, वो भी सिर्फ एक छोटे से स्पेल से, लेकिन ईव ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बोल नहीं सकती। फिर अब टिप्स सेवन को वो स्पेल बोलकर सुनाता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ईव अपने डॉल को रस्सी से लटकाकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तभी पास वाले रूम से कुछ आवाज़ें आती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो अपने पेरेंट्स के हाथ पर अलग पड़े हुए देखती है। मैगी ईव से कहती है कि मैं सेवन को शो के लिए रेडी कर रही थी, लेकिन हमारे हाथ पैर सड़ जाने की वजह से हम दोनों गिर गए। डेविल ने हमारा खूब फ़ायदा उठाया है और पपेट की तरह अपने इशारों पर नचाया। मैगी कहती है कि वो डेविल की पपेट नहीं है और अब ईव और मैजिक ट्रिक्स करना बंद कर दें। लेकिन तभी सेवन ईव के कान में वही स्पेल बोलकर बता देता है जो कि सेवन को टिप्स सुनाए थे, जिससे कि सब कुछ फिक्स किया जा सकता है। सीन कट होता है और मूवी के लास्ट सीन में हम ईव के अंदर डेमन अपेंडेंट का रूप देखते हैं, जिसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और साथ ही एंजल की तरह उसके विंग्स भी होते हैं। फिर वो स्टेज पर जाकर उसी स्पेल को एक सॉन्ग की तरह गाती है, जिसके साथ ही उसके पेरेंट की एक बॉडी भी होती है। एक बॉडी यानी कि ईव ने सेवन की बॉडी पर मैगी का सर स्टिच करके लगा दिया होता है, क्योंकि मैगी की बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। और फिर वो दोनों मिलकर अपना एक्ट परफॉर्म करते हैं और इसके साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था वेयर द डेविल रोम्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ईव जो कि एक टीनेजर लड़की है, जिसके स्टेप फादर एक डॉक्टर थे जिन्होंने उसे अच्छे से बॉडी पार्ट्स को कट करके स्टिच करना सिखाया था, लेकिन उसके पेरेंट की बॉडी के पार्ट बार बार सड़ रहे थे क्योंकि उसने टिप्स की बातों पर गौर नहीं किया। टिप्स ने कहा था कि पहले उसे डेविल से डील करना होगी उस स्पेल को गाकर, लेकिन ईव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसा नहीं किया। लेकिन हमने मूवी में देखा कि टिप्स के हाथ पहले कभी इसलिए नहीं सड़े क्योंकि टिप्स पहले ही डेविल से डील कर चुका था, जिससे कि वो मैजिक हार्ट पूरी तरीके से काम करता था। मूवी के लास्ट सीन में सेवन ईव को स्पेल याद दिलाता है और हम समझ पाते हैं कि अब ईव पूरी तरीके से डेविल के कब्जे में हो चुकी है। जब वो उस स्पेल को स्टेज पर सॉन्ग की तरह गाती है, वो अपनी माँ मैगी के कहने पर मैजिक करना नहीं छोड़ती है और फिर उस मैजिक हार्ट के जरिए अपने पेरेंट को एक ही शरीर में जिंदा करके उनके साथ में एक्ट परफॉर्म करती है।